गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोग रिवीजन वर्क कर रहे हैं, उसमें हमने ग्रामर के टॉपिक्स किए हैं। ठीक है, पीछे किए हुए ग्रामर के टॉपिक्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? कारक, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वो कर लेंगे रिवाइज। ठीक है, या आज करवा देती हूँ, देख लेते हैं। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो? यस अंशिका? मैम क्रिया ओके बेटे, हम एक एक करके सारे ग्रामर टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी और की कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में? चल, सबसे पहले अभी हम पर्यायवाची रिवाइज कर रहे हैं। पर्यायवाची आप सबको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? एक शब्द के अनेक शब्द नहीं, ओके। हाँ, जब किसी एक चीज के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेड़ है, इसे आप वृक्ष भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं, पादप भी कह सकते हैं। ठीक है, सूरज है, इसे आप सूर्य भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं, दिवाकर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब एक चीज के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ओके बेटा, आपके सिलेबस में PT 1 में 1 to 15 पर्यायवाची थे और PT 2 में 16 to 30। ठीक है, हम पहले 16 to 30 रिवाइज करने जा रहे हैं, उसके बाद हम उससे पहले वाले पढ़ेंगे। ओके, सिक्सटीन्थ है कमल। कमल मतलब लोटस, फूल होता है ना, उसे क्या क्या कहते हैं? हाँ, जलज। और हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, हर शब्द के बनने का एक रीजन होता है। जैसे इसे जलज कहते हैं, जलज क्यों कहते हैं? जल मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है। ठीक है, पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ के पानी में होता है ना कमल, है ना। जलज, नीरज, नीर, नीर मतलब, नीर मतलब बोलो, नीर मतलब पानी, नीरज, जलज, पंकज, सरोज, क्योंकि सरोवर में होता है, तालाब में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज किनारा, तट, कूल, कगार, तीर, तट, तीर, कूल, कगार, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट इज घमंड, अभिमान, अभिमान, अहंकार। अभी किसी ने कहा गर्व, गर्व नहीं है, गर्व। रेफ की मात्रा है, पूरा रह नहीं है। अगर पूरा रह लिखा होता फिर बनता गर्व, यह है गर्व। ठीक है,
अपने ना फोन की नेक्स्ट आवाज आ जाओ कम कर ले यार, हेडफोन लगा ले। नेक्स्ट इज घर, गृह, भवन, सदन, निकेतन, ग्रह नहीं है, गृह। ग्रह और गृह में फर्क है। ग्रह प्लैनेट, ग्रह प्लैनेट जिसमें पदेन है, इसमें री की मात्रा है। गृह घर। ओके नेक्स्ट इज चतुर, चालाक, कुशल, निपुण, पटु, पटु भी कहते हैं, प्रवीण। ओके चंद्रमा, सुधाकर नहीं बोलेंगे, सुधाकर, सुधाकर अलग अलग नहीं है, ठीक है। सुधाकर, इंदु, मयंक, शशि, राकेश, इंदु, शशि, मयंक, राकेश, विधु भी कहते हैं, विधु, विधु का मतलब भी होता है चंद्रमा। ओके नेक्स्ट चमक, आभा, ज्योति, इसे ज्योति नहीं बोलना, बड़े सारे लोग ज्योति बोल देते हैं, किसी का नाम भी होता है उसको भी कहता है ज्योति, गलत है, ज्योति, इट शुड बी ज्योति। आभा, ज्योति, विभा, प्रभा, आभा, ज्योति, विभा, दीप्ति, कुछ लोग होता दीप्ति, गलत है, दीप्ति नहीं होता, दीप्ति। हम किसी का नाम भी लेते हैं ना तो गलत उसको प्रोनाउंस करते हैं, दीप्ति। मैं हमेशा कहती हूँ हर क्लास में बार बार कि जैसा हमारा उच्चारण होगा वैसे हम लिखेंगे, तो इसको पढ़ना भी वैसे ही है। ज्योति, ज्योति पढ़ोगे तो ज्योति ही लिखोगे, ज्योति नहीं लिख पाओगे, ज्योति। प्रभा, आभा, विभा, दीप्ति। नेक्स्ट इज तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, पोखर, जलाशय, जलाशय नहीं पढ़ना है इसको, जलाशय, श भी है पीछे, जलाशय, दिन, दिवस, दिवा, वासर, वार, दूध, दुग्ध, दुग्ध, गोरस, क्षीर, पाए, दुग्ध, गोरस, क्षीर, पाए, ध्वज, झंडा, ध्वजा, यहां दोबारा ध्वज लिखा है इसे ध्वजा कर लो, ध्वजा, पताका, पटाका नहीं लिखना, पताका, त है, ट नहीं है, ठीक है, पताका, केतु, झंडा, ध्वजा, पताका, केतु, धरती, धरा, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरणी, जमीन, सरिता, सर, नदी, सरिता, निर्झरी, सलिला, तटिनी, तरंगिनी। अब इसको तरंगिनी नहीं बोलेंगे, तरंगिनी न के साथ है, ये भी ध्यान रखना है कि न नहीं है, न है। ओके निर्मल, स्वच्छ,
पवित्र, विमल, शुद्ध। कुछ बच्चे ना इसको ऊ की मात्रा बना देते हैं द के नीचे, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये हलंत है। ठीक है, ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, ये है हलंत। ओके, इसका मतलब है आधा अक्षर, क्योंकि हम द को आधा नहीं लिख सकते इसलिए उसके नीचे हलंत लगाते हैं। निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, विमल, शुद्ध, पत्थर, पाषाण, उपल, आश्म, परस्तर। ओके, पत्थर को ही परस्तर, मतलब पत्थर को ही परस्तर कहते हैं। हर शब्द का अर्थ कई बार ढूंढना थोड़ा वो डिफिकल्ट सा हो जाता है। ठीक है, एक बार हम फर्स्ट 15 भी रिवाइज कर लेते हैं। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम, तमिस्त्र, तमिस्त्र, अमृत, सुधा, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, अमी, अमीय। अवगुण, दोष, कमी, बुराई, ऐब। अंग, शरीर, भाग, अंश, शाखा। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, आसमान। आंख, नयन, लोचन, नेत्र, दृग, चक्षु। बेटा इसको पहन लो, पहन लो, आपका पहना हुआ वो नहीं गिरा पाएगा ना, पहन लो। इंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, सुरपति, पुरंदर। इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जगदीश, हरि, प्रभु। हरि में भी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, ई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, ई ई नहीं आएगा, वो हरि बन जाएगा ग्रीन। ठीक है, हाँ जी, ईश। ठीक है, उचित, ठीक, उपयुक्त, योग्य, समीचीन। उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेय, उत्कृष्ट नहीं है, क्र नहीं है, अगर आप क्र बोलते हैं तो ये बनता है क्र, इसमें री की मात्रा है, क्री। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान। उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, वितृष्णा, अनादर। उन्नति, प्रगति, उत्थान, विकास, उत्कर्ष। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगिया, फुलवारी, बगीचा, बगीचा नहीं, बागीचा नहीं, बगीचा, बागीचा नहीं होता, बगीचा। कपड़ा, वसन, वस्त्र, चीर, पट, अंबर, परिधान। ओके, ये बेटा आपने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम पर्यायवाची में? यस प्रीशा मैम, हम चंद्रमा का पर्यायवाची चांद लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हो सकता है। एनी अदर डाउट, एनीबडी? हाँ जी, नहीं, अमी और अमिया दोनों होते हैं, अमृत का अमी और अमीय, ई की मात्रा के साथ अमीय। स्टॉप टॉकिंग, आई सेड स्टॉप टॉकिंग। अमी और अमीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट एनीबडी? नो, चले आगे। ओके,
कारक हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, अभी मैं क्रिया रिवाइज करवा रही हूं। कोई मुझे बताएगा क्रिया क्या होती है? एनीबडी? जो काम कर रहे हैं, जैसे तो क्रिया कौन सी है? पढ़ रहे हैं। ओके, यस प्रवलीन। किसी कार्य का करना या होने को हम क्रिया कहते हैं। प्रवलीन, आपने कहा किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। काम का करना तो समझ में मुझे आया कि मैं काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। काम का होना मतलब? काम का होना, यस प्रवलीन। तो कार्य प्राकृतिक तौर से होते हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते, जैसे सूर्य उदय होता है। ओके, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कोई काम करना या कोई काम होना। किसी काम का करना या होना। काम का करना मतलब जो काम हम करते हैं। काम का होना मतलब जो प्राकृतिक रूप से होता है, फूलों का खिलना, सूर्य का उदय होना, चांद का छिपना, ठीक है, ये सब है काम का होना। अब आपको पता है खाना पीना सोना उठना बैठना रोना आना जाना गाना, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब काम हैं। इनके मूल में होती है धातु। धातु संस्कृत में थी, आपको सबको पता है संस्कृत में से हिंदी निकली है, ठीक है, संस्कृत में है धातु। जैसे संस्कृत, अगर मैं एग्जैक्ट संस्कृत की बात करूं तो पीब कहते हैं, पीब पीना, गम जाना, ठीक है, इस तरह से अलग अलग है, ठीक है। अब हिंदी में हमारे पास धातु क्या है? खा पी उठ आदि, सो तैर आदि, ये सब हैं धातुएं। धातुओं से बिना बने क्रिया शब्द, खाना पीना उठना आना जाना सोना, ये सब हैं क्रिया शब्द, ठीक है। अब जब हम क्रिया के भेद करते हैं, क्रिया को समझने से पहले, क्रिया के भेदों को समझने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है, क्रिया हमने पढ़ ली, हमारे लिए जानना जरूरी है कर्ता और कर्म। क्रिया हमें पता चल गई, जो काम किया जाता है। कर्ता क्या है? जो व्यक्ति काम कर रहा है, मैं बोल रही हूं, मैं कर्ता, आप सुन रहे हैं, आप कर्ता, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया कर्ता, माता जी आई थी, माता जी कर्ता, ठीक है। अगर मैं कहती हूं माता जी पका रही हैं, कर्ता कौन है? माता जी। पकाना क्या है? क्रिया, ठीक है। अगर मैं कहती हूं माता जी ने खीर पकाई, माता जी कर्ता, पकाई क्रिया। पकाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? खीर पर। तो खीर क्या है? कर्म, जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। अब अगर हम क्रिया के भेदों की बात करते हैं तो है अकर्मक और सकर्मक। पहले हम दो लेते हैं,
अकर्मक और सकर्मक। मैंने आपको पहले भी बताया था अ का मतलब होता है बिना, स का मतलब होता है साथ, यानी कि जिनके साथ कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया, जिनके साथ कर्म है वो सकर्मक क्रिया। ठीक है, माता जी पका रही हैं, कर्म नहीं है अकर्मक। माता जी ने खीर पकाई, सकर्मक, पता है कि कर्म है। ठीक है, इसके अलावा कई बार कई ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें लगता है सकर्मक है लेकिन वो अकर्मक होते हैं, तो उनकी पहचान कैसे की जाए, उसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, क्या और किसको, किसको या किसे, कुछ भी। ठीक है, माता जी ने बच्चों को खीर दी, ये दो सेंटेंसेस ध्यान से देखना, माता जी ने खीर पकाई और माता जी ने बच्चों को खीर दी। ठीक है, पहले सेंटेंस में हमें क्या या किसको, दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल रहा है। माता जी ने क्या पकाई, खीर पकाई। जब इन दोनों में से हमें किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां है सकर्मक क्रिया। ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, दोनों का उत्तर मिले तो द्विकर्मक क्रिया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, दोनों का उत्तर मिले तो द्विकर्मक। माता जी ने क्या दी, किसको दी, बच्चों को, द्विकर्मक क्रिया। क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर मैं कहती हूं पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो कौन सी क्रिया है, कैसे, कहां का उत्तर मिल रहा है, क्या और किसको का नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक है। पक्षी कहां उड़ते हैं, कहां का उत्तर मिल रहा है, क्या किसको का नहीं है, ये दो शब्द ध्यान में रखने। कैसे, कहां का उत्तर आ रहा है, पक्षी दाना चुगते हैं, पक्षी क्या चुगते हैं, दाना चुगते हैं, सकर्मक। ठीक है, अगर आपको क्या या किसको खिला, पिताजी कल आएंगे, अकर्मक, सकर्मक नहीं है, कब का उत्तर मिल रहा है, अगर क्या और किसको का उत्तर मिलेगा तो द्विकर्मक, दोनों में से एक का उत्तर मिलेगा तो सकर्मक। इसके अलावा एक है प्रेरणार्थक, जब कर्ता खुद काम ना करके किसी से काम करवाता है, मैंने पुस्तकें मंगवाई, मैंने खुद पुस्तकें ना लाकर किसी से मंगवाई, प्रेरणार्थक क्रिया। दादी जी ने पत्र लिखवाया, खुद ना लिखकर किसी से लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर एवरीबॉडी, ये क्रिया है, नेक्स्ट क्लास में हम कारक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।